चोपड़ा जोनस, जो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं, और हर इंडियन उन पर प्राउड फील करता है। पर इन दिनों वो अपनी किसी मूवी या सीरीज से ज्यादा बॉलीवुड पे दिए एक स्टेटमेंट के कारण छाई हुई है, और उनके इस एक स्टेटमेंट ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। वेल, अपने एक इंटरव्यू में पीसी ने बॉलीवुड छोड़ने की बात पर ये कहा था कि हिट मूवीज देने के बावजूद उन्हें मूवीज ऑफर नहीं की जा रही थी। इसके पीछे उन्होंने बॉलीवुड पॉलिटिक्स का कारण बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय कई लोगों से उनकी अनबन चल रही थी, यही कारण था कि बॉलीवुड ने उन्हें साइड कर दिया था, और इन सब से परेशान होकर उन्होंने हॉलीवुड का रास्ता चुना। प्रियंका ने किसी का नाम तो नहीं लिया, पर इसके बाद लोगों ने सीधे करण जौहर पे निशाना लगाया है, जिन पे अक्सर इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। आपको याद होगा वो टाइम जब पीसी और एसआरके के अफेयर के चर्चे सब और थे। उसी समय केजो ने अपनी फ्रेंड और शाहरुख की वाइफ गौरी खान को सपोर्ट करते हुए पीसी के करियर को खत्म करने की काफी कोशिश की थी। उस समय कई लोगों ने केजो को ट्रोल करते हुए ये कहा था कि अगर ये सब सच है तो वो अपने दोस्त एसआरके को कुछ क्यों नहीं बोलते। वेल, ये पहली बार नहीं था जब केजो पर इस तरह के इल्जाम लगाए गए हों। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद लोगों ने केजो पर अपना अच्छा खासा गुस्सा दिखाया और उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनका करियर खत्म किया है। आयुष्मान खुराना ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो धर्मा की मूवी इसलिए नहीं करते क्योंकि जब वो इस इंडस्ट्री में नहीं थे तब केजो ने उन्हें अपना नंबर दिया था और कॉल करने के लिए कहा था, पर जब आयुष्मान ने उन्हें कॉल किया तब उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। रिसेंटली खुद करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रब ने बना दी जोड़ी में वो अनुष्का के जगह सोनम कपूर को लेना चाहते थे, और इसके लिए वो बार बार आदित्य चोपड़ा को पुश भी कर रहे थे। वेल, पीसी के इस एक स्टेटमेंट ने ये सारी बातें फिर से लोगों को याद दिला दी है। प्रियंका के इस एक स्टेटमेंट के बाद बॉलीवुड के कई स्टार्स का उन्हें सपोर्ट मिला है, और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने ये बताया है कि वो किस तरह बॉलीवुड पॉलिटिक्स का शिकार बने हैं। इन सब के बाद एक बार फिर फैंस ने बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड शुरू कर दिया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।